नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज मैं मसाला चीज टोस्ट की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होता है, अंदर से ये चीज से भरा होता है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे शौक से खाएंगे। तो चलते हैं इसे बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले को भून को तैयार करेंगे। तो मैंने एक पैन गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे, गैस ऑन कर लेंगे और तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। तेल को मैं पैन में चारों तरफ अच्छे से फैला देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, 1/2 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। सभी चीज़ों को हम हल्का सा भून लेंगे। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं या फिर आप उसका पेस्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अदरक लहसुन का। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची हल्का सा भुन गया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज का आलू लिया है। आलू को मैंने उबाल के हाथ से अच्छे से मैश कर लिया है। आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम आँच पे 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। अगर आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो तेल में आप अदरक और लहसुन के साथ प्याज भी एक बारीक काट के डाल सकते हैं मीडियम साइज का। आलू को मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। गैस का आँच मैंने मीडियम और लो के बीच में कर दिया है। 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। अगर आप इसे तीखा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। मसालों को हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ यहीं पे हम 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, या नमक स्वाद के अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों के साथ और 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम आंच पे भून लेंगे ताकि सभी मसालों का जो टेस्ट है वो हमारे आलू में अच्छे से आ जाए। आलू को मैंने सभी मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पे भून लिया है। अब हम लास्ट में इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई फ्रेश हरी धनिया डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए और इस आलू को हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हमारा आलू भुन के तैयार हो गया है। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप से मसाला चीज टोस्ट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाएंगे क्योंकि हमने इसमें केचप लगाया है। तो ब्रेड में हम चारों तरफ इसे अच्छे से फैला लेंगे लगा के, ये देखिए इस प्रकार से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कद्दूकस किया हुआ चीज़। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मोज़रेला चीज़ लिया है, इस प्रकार से फैला लेंगे। अब हमें क्या करना है कि जो हमने आलू का मिश्रण तैयार किया था वो लेंगे हाथ में, इस प्रकार से गोल आकार इस देते हुए दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे चपटा कर लेंगे, रफली से चपटा कर लेना है। और अब हम इसे चीज वाले ब्रेड के ऊपर रख के चारों तरफ इसे अच्छे से कोट कर देंगे ब्रेड के ऊपर। ये देखिए कितनी आसानी से ये कोट हो गया और खाने में तो पूछिए ही नहीं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, आसानी से बन जाता है। अब हम इसे सेकने के लिए चलते हैं। तो इसे सेकने के लिए मैंने एक तवा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें बटर का एक ट्यूब डाल देंगे, तैयार किया हुआ ब्रेड डाल देंगे। मसाले वाले हिस्से को हमें ऊपर रखना है। सबसे पहले ब्रेड को हम प्लेन साइड वाले से सेकेंगे, जिधर साइड हमने आलू नहीं लगाया है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के 1 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस का आंच मीडियम और लो के बीच में रखेंगे। 1 मिनट हो गया है तो हम इसे चेक कर लेते हैं। अब हम इसे पलट देंगे, ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया है और इसके ऊपर हल्का सा सुनहरा कलर भी आ गया है। अब हम इसे दोबारा से ढक देंगे और ढक के 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस का आंच मीडियम और लो के बीच में ही रखेंगे। अगर आप ज़्यादा बटर खाना पसंद करते हैं तो आप ब्रेड को पलटने के बाद थोड़ा सा और बटर लगा सकते हैं। 2 मिनट हो गए हैं तो हम इसे खोल के चेक करते हैं। इस प्रकार से हल्का सा दबा लेते हैं। गैस का आंच अब हम मीडियम कर देंगे और दोनों तरफ से हल्का सा सुनहरा कर लेंगे।
नीचे साइड से तो ये हल्का सा सिक गया अच्छे से, मसाले वाले साइड से भी थोड़ा सा इसे क्रिस्पी करना है। ब्रेड हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है, ऊपर से हल्का सा सुनहरा तो आपको ये दिख ही रहा है, दूसरी तरफ से भी देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से सिक गया है। तो हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। वाओ ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, टेक्सचर आया है, और खाने में भी ये उतना ही लजीज है जितना कि आपको ये देखने में लग रहा है। दूसरे ब्रेड को डालने से पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे और तवे पे इसे फैला लेंगे। ब्रेड डाल देंगे और अब हम इसे ढक देंगे और सेम प्रोसेस से इसे भी हम सेक लेंगे। अब हम इसे सर्व करने के लिए चलते हैं। ये हमारा चीज ब्रेड बनकर तैयार है। अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे। आप भी इस प्रकार से इस चीज ब्रेड की रेसिपी को एक बार ट्राई करिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा और बच्चे भी इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। आप इस मसाला ब्रेड टोस्ट को सॉस, मेयोनीज या अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। और ये देखिए ये देखने में कितना लजीज दिख रहा है, खाने में भी ये उतना ही स्वादिष्ट है। मुझसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तो चली इसे खाने। आप भी बनाएं, खाएं, सभी को खिलाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोस को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में, तब तक के लिए बाय बाय।